को देखा हूँ कि यूट्यूब पे, मतलब कि यहाँ पे माइक्रोफोन लगाकर वो लोग ब्लॉगिंग करता है। बहुत ही अच्छा वो लोग का ब्लॉगिंग भी होता है और रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा होता है। तो उन लोगों का वीडियो देखकर मेरे माइंड में भी एक आइडिया आया है। तो वो आइडिया है कि मतलब हम भी उन लोगों की तरह हम भी माइक्रोफोन में भी बनाया हूँ। तो वो माइक्रोफोन ये इस तरह का मैं भी माइक्रोफोन बनाया हूँ। तो उन लोगों का जैसा रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा हमको तो इतना तो मालूम नहीं। तो लगता है कि उन लोगों के जैसे ही रिकॉर्ड होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये माइक्रोफोन, ये छोटा सा, और ये केबल, मतलब कि जो ईयरफोन जो होता है ना गाना सुनने के लिए, तो उस केबल को हमने कट कर और जो उस ईयरफोन में जो माइक्रोफोन लगा हुआ रहता है उसी को हमने निकाल कर इस तरह का हमने माइक्रोफोन बनाया है। तो हमने अभी भी चेक भी नहीं किए हैं अच्छा रिकॉर्ड होता है कि नहीं। तो माइक्रोफोन ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है और क्या करें, पैसा नहीं होगा तो उससे मतलब कि सपना तो कुछ बड़े सारा ही होगा, पैसा नहीं है। तो हमने इस तरह का माइक्रोफोन बनाया है और अभी हम चेक करेंगे कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो, सभी अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं और क्या ही बोलो, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग सा होने वाला है, मतलब कि आज का टॉपिक थोड़ा अलग ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स क्या ही बोले, आज हम पिलार बनाएंगे, मतलब कि पिलार हम लोग देखे होंगे शायद, और नहीं देखे तो हम दिखाएंगे। मतलब कि जो हमने ये हमने पकड़ ये इस तरह का पिलार बनाएंगे, कैमरा पे क्या हो गया, इसी तरह का पिलार बनाएंगे जो पकड़े हैं ना, इस तरह का पिलार बनाएंगे। और क्या ही बोलो, मतलब कि अभी तो हम घर पे अकेले हैं और क्या बोलो, पिलार बनाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत होता है वो सब रेडी है और हम भी पिलार बनाना अच्छे से भी नहीं जानते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जानते हैं पिलार बनाना, और कोशिश करेंगे कि अच्छा बनाएंगे। और क्या है बोलो, यहाँ पे दो पिलार ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये भी मैंने ही बनाया है और ये भी मैंने ही बनाया है। तो बाज़ार में गए थे पिलार ख़रीदने के लिए। तो बाज़ार में बहुत मतलब कि एक गो पिलार का दाम पड़ रहा है 400 रुपया। तो 5 पिलार का दाम कितना होगा, 4×20, मतलब कि 2000 रुपया। हमने सोच लिया कि नहीं, हम बाज़ार से नहीं ख़रीद के नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बाज़ार में जो पिलार होता है ना वो थोड़ा मतलब कि वो लोग तो सेल करेंगे, अच्छा भी मज़बूत भी नहीं होगा, तो मज़बूत नहीं होगा उसीलिए हमने नहीं ख़रीदे हैं। और मतलब कि जैसे आप रुपया दोगे वैसे वैसे आपको मिलेगा माल, तो कम दाम में थोड़ा पिलार तो मज़बूत तो नहीं होगा। तो हमने सोच लिया कि नहीं, हम घर में ही बनाएंगे। तो घर में बनाने के लिए थोड़ा आज हम 5 गो पीस हमने बना चुके हैं, 5 गो पीस हमने बनाया है और 1 गो पीस हम बनाएंगे, मतलब कि 6 गो पीस बनाएंगे। तो हमने एक बस्ता सीमेंट और रोड खरीद के लेके आए हैं। और क्या ही बोलो, एक बस्ता सीमेंट में मतलब कि 6 गो पिलार हो रहा है, वो भी बहुत ही तगड़ा मजबूत, बहुत ही मजबूत, ये देख रहे हो ना, बहुत ही मजबूत हो रहा है। और क्या ही बोलो, और पैसा भी बहुत कम है, मतलब कि खर्चा भी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हमने एक बस्ता सीमेंट में 6 गो पिलार बनाए हैं और वही हम इस पिलार का हम खरीदने जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस, इस तरह का रोड का खर्चा बनाना पड़ेगा, मतलब कि आप जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा। हमने बनाया है इसको 7 फीट लंबाई और इस तरह का ये लंबाई सा, इस तरह का रोड का खर्चा बनाना पड़ेगा तभी हम लोग पिलार बना पाएंगे। और यहाँ पे पिलार बनाएंगे, मतलब कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सब करना पड़ेगा।
तैयार हो चुका है ये सीमेंट मतलब कि पिलर बनाने के लिए। अब हम इसको ले जाएंगे और वहाँ पे डालेंगे।